अच्छा, ये हराम के पिल्ले जैद ने एडम नुन्नू जी याद किया है अभी, किया मुझे कोई भाग बात गया। नहीं, वो बंद हुआ हुआ था, नहीं वो नहीं नजर नहीं आ रहा। आया है, आया है, आया है। हाँ हाँ लेकिन लोगों को नजर नहीं ना आ रहा नहीं, था लोगों को भी नजर आया है है? तो इसको क्या मतलब यार, एडिट करना ये तो पड़ेगा। दो बंदों वाला रखा हुआ था यार, दो बंदों वाला रखा हुआ था, नहीं, ये कैसे मैं याद स्टार्टिंग में करूंगा? इसने किया है मेरे ख्याल से, नहीं इसके नहीं वजह से तो यार, मैंने एक सेकंड एक बोलते सेकंड। साथ चला गया। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी जैद अनवर, आप तभी डिस्कनेक्ट हो गए थे डिस्कनेक्ट नहीं, तुमने निकाला था। या? झूठ तो ना बोलो ना प्यारे भाई। जो तुम लोग यहाँ बैठ के झूठ बोलते रहते हो दिन रात, अच्छा उसके अच्छा साथ में अगर चलो, मैं अच्छा बोल दी चलो, तो एक तुम क्या काम करते करोगे? हैं, एक काम करते हैं। पहले आपने मुझ पे एक इल्जाम लगाया है कि मैंने आपको किकआउट किया, राइट? हाँ तो ये बोलो कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं गुड़वा हूं। क्या हूँ गुड़वा ये, क्या होता है? वो छोड़ दो, क्या होता है सिर्फ बोल दो, अगर मैं झूठा हूं तो मैं गुड़वा हूं। अगर साहिल झूठा है तो वो गुड़वा है, ओके, और अगर मैं झूठ आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं। अगर आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं। आप झूठे हैं तो आप गुड़वे हैं, यानी जैद अनवर साहब गुड़वे हैं। ठीक है, अगर मैं झूठा हूं तो मैं गुड़वा हूं। ओके, तो आप वाकई में गुड़वे हैं क्योंकि आपने झूठ बोला था, मैंने आपको नहीं मैंने निकाला था। झूठ नहीं आगे बोला बढ़ो। था, मैं ऐसे ही बात कर रहा था और वो कट गया था, तो तुम ही नहीं निकाला होगा। कटना कट आपके वहां से कटेगा तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, ये आपका प्रॉब्लम है मेरा नहीं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का नमाजें ये पढ़ते बुरा हैं आप? ख्याल है। और ये आपने कहा कि आप चैट पांचों में टाइम की जो नमाज नहीं पढ़ते डिबेटर हैं हैं। उनको भी ऊपर ले लो ना। तुम लोग हाँ, जो लोग डिबेट करते हैं उन लोग को तो ऊपर लेते नहीं हो, बस ये टाइम पास करते रहते हो। अभी क्या कर रहे थे आपसे पहले, क्या कर रहे थे हम? हाँ, वो ड्रामा बहुत अच्छा करते हो तुम लोग। ओके, आप तो ड्रामाबाज नहीं कर ड्रामेबाजी नहीं करोगे ना? नहीं, ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? आयतुल कुर्सी हाँ, देखो मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ता, थोड़ा बहुत आती है। सुनाइए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ध, मन दल नदी नौ इश्वहु बिज़्नी यालमु बैना अयदिहिम व मा खल्फहु बिज़्नी अल्ला बिमा शाअ वसीउ कुर्सी व समावाति व मा फ़िल अर्ध। कदम, इसमें भी गलती कर दी आपने। नहीं तो मैंने बोला ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। ओके, दरूद शरीफ आती है क्या? वो भी नहीं आती है? नहीं, थोड़ा बहुत ही दरूद आता नहीं है। आता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद व अला कमा सल्ली अला इबादिल्लाह। आलम आता है? आलम अल्हम्दुलिल्लाहि का रब्बिल सुन। आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नाबुदु इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्वालीन आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिपस्टिक कौन से ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं आप? यही जाहिल लोगों की तरफ बात करते हो, वो लिपस्टिक नहीं है, क्या है फिल्टर है। ये, फिल्टर है? हाँ क्या मजाक करते हो, लिपस्टिक लगा के बोलते हो फिल्टर है? तुम लोग दिन रात यही करते हो क्या? ऐसे यहाँ पे हाँ, यही सब करना, तो भाई कोई बात करने आएगा अरे तो भाई वो मैं आनंद इस वजह शेख से में चिल्लाने पूछ रहा लगता है हूं ताकि, यार सुनो, कि गुस्ताखी गुस्ताखी, और फिर निकाल देगा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मसला ये है कि यहाँ पे हमारी कई सारी जो है वो खवातीन भी वीडियो को देखती है, तो उनको अच्छे ब्रांड की, अच्छे उसकी लिपस्टिक मिल नहीं रही है,
तो आपके जरिए से जो भी उनको भी पता खवातीन इन चल लोगों को जाएगा देख कि रही ये हैं, ब्रांड वाली प्लीज इन लोग लिपस्टिक को जो ना है वो देखें, अच्छी होती है। इन लोग को देखना बंद कर दें, ये लोग गुमराह करते हैं। अच्छा देखो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब आ गए, आप कह रहे थे कि झूठ फैलाते हैं एडम प्यारे साहब, बच्चों क्या जो झूठ? कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये लीजिए आ गए अब्बू, आ गए आप लोगों के। तुम्हारा अब्बू है ना? लेकिन मोहम्मद ने तो बोला मैं तुम सबका अब्बू हूँ। हदीस दिखाऊं? हाँ झूठ ही बोलना है बैठ के। अगर हदीस दिखा दूं तो नहीं मुझे हदीस के बारे में पता है, तो वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे थे, वो आदम अलैहि सलाम के बारे में बोल रहे तो थे। मैं हजरत आदम अलैहि सलाम ही तो हूँ। हाँ हाँ मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। चलो ठीक है फिर जिंदा करके दिखाओ मुर्दे। तुम आओ मेरे घर पे, मैं जिंदा कर दूंगा। ये तो जिंदा हूं बेटा, जिंदा कैसे? मुर्दा जिंदा को जिंदा नहीं करना, मुर्दे को जिंदा करना है। नहीं मैं इधर मुर्दा जिंदा भी कर दूंगा तो अच्छा तुम कैसे वापस आओगे? ऐसा करो वही ना, अपने दादा को जिंदा करके दिखा ना। मेरे दादा जिंदा हैं। नहीं ये हो ही नहीं सकता, हैं? नहीं हो सकता। क्यों? जैसे ही तूने पहला लफ्ज अपनी जिंदगी में बोला था फड़क के मर गया होगा। ये कोई दादा जिंदा रह ही नहीं सकता तेरा, तेरी आवाज सुनते ही फड़क कर मर गया वो। तुम्हारी आवाज सुनते तो तुम्हारे साथ पुश्ते जाग गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छी बात है ना, मेरी आवाज सुनते अल्हम्दुलिल्लाह मत बोला है। मेरी साथ पुश्ते जाग गई, लेकिन तेरी आवाज सुनते ही साथ पुश्ते मर गई। अच्छा शायद पुश्ते में ये। बेटा बात सुन ना, हाँ अभी तेरी आवाज सुन के मैं सफाई सफुई करके आया था, अपना केला छूट गया था मेरा। क्या कुछ नहीं तुझे समझ नहीं आएगी। हाँ क्या मसला क्या है तुझे मुझसे? अल्हम्दुलिल्लाह इतना झूठ क्यों बोलते हो? मोहम्मद से सीखा। ये सब गुस्ताखी करना फिर बोलना कि अरे मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करता हूं। मैंने कभी किसी की गुस्ताखी नहीं की। मोहम्मद तो ये जो अभी तुमने बोला कि मोहम्मद से सीखा है, ने ये बोला क्या झूठ है? बोलो, मोहम्मद ने बोला झूठ बोलो, कहां बोला है? ये तो सीधा झूठ बोला है तुमने। मोहम्मद ने बोला। अच्छा चल मैं दिखा दूं अगर तुझे कि मोहम्मद ने बोला झूठ बोलो तो क्या करोगे? हो ही नहीं सकता। यार वो बात की बात है ना, अगर मैं दिखा दूं तो तो फिर मैं अपने आलिम साहब से पूछूंगा। यार ये तो कोई बात ना ना हुई, मैं दिखा मैं दूं तो तो फिर तुम आलम साहब लेकिन मानोगे ना? एडम साहब एक मिनट, पिंक मोमिन भाई रुको। अच्छा एडम साहब ये भाई की है ना तस्वीर, इसी है तो थोड़ा हल्का हाथ रखना, कुछ मनवा मत ना, मनवाना मत इनसे, खाली बता देना। अच्छा ओके तो यार भाई अच्छा बात सुन यार, तुम्हारे मोहम्मद ने कहा कि 3 टाइम में झूठ बोलना झूठ नहीं होता, एक दोस्तों के दरमियान, एक दुश्मनों के दरमियान, और एक बीवी का खावंद के साथ और खावंद का बीवी के साथ। तो क्या वो कहोगे इस बारे कृष्णा ने में? भी तो झूठ बोला था। ओके आ गया ठीक है, बैसाखी पे। कृष्णा ने झूठ बोला था, जीसस ने झूठ बोला था, राम ने झूठ बोला था सब, लेकिन अभी हम मोहम्मद की बात कर रहे हैं ना और मेरी बात कर रहे हैं, मेरी और मोहम्मद तक रहो ना। नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। परफेक्ट, मैं यही तो कह रहा हूं कि उसने बोला और उसने कहा कि ठीक तुम बोलो। है नहीं ओके वंस अगेन दोबारा बताते हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप झूठ बोल सकते हो तो क्या कहोगे अपने प्यारे नबी को? तो फिर मैं सोचूंगा, क्या वही देखूंगा कि तुम सच बता रहे हो क्योंकि झूठ, और ज्यादातर टाइम तो तुम लोग झूठ ही बोलते हो। आप चेक कर लेना उसको, जैद साहब आप हाँ चेक चेक कर कर लेना। लूंगा। ओके चलो और ये एक ऐसा और बात बताओ, तुम लोग ये हाँ, रात को स्ट्रीम क्यों करते हो? वो दिल करता है ना। एक हफ्ते से मैं तुम लोग की फालतू वीडियोस देख रहा था, मगर रात को पापा घर पे होते हैं इसलिए मैं तुम लोग से बात नहीं कर पा रहा था, नहीं तो मैं बहुत पहले ज्वाइन करता। रात अच्छा को डिबेट करते हो कि सब लोग घर ही रहे तो कोई बात ना कर पाए तुमसे ना।
हम इसलिए करते हैं ना कि उल्लुओं की तरह आप लोग सारी रात को जागते हैं ना। क्या? कुछ नहीं छोड़ें, ये सही बुखारी की पहले एक हदीस पढ़ें फिर आगे चलता हूँ आपके साथ। क्या लिखा हुआ सर? That she said he who makes peace between the people by inventing good information or saying good things is not a liar. अच्छा, क्या क्या मतलब है? ये तो सीधा गलत लिखा हुआ है, सीधा ही गलत लिखा हुआ है। मत बोला करो साहिल, सीधा ही गलत लिखा हुआ है यार सही बुखारी में। क्या तो भाई बात भी तो ठीक ही है, अगर दो लोगों के बीच में पीस हो रहा है तो झूठ बोलना तो ठीक ही है। अगर दो लोग अगर तो दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो झूठ और बोल दो सकते लोग हैं ना। हाँ बोल सकते हैं। ओके तो आप तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि नहीं बोलते रसूलुल्लाह, कभी गलत तरीके से झूठ झूठ बोलने नहीं की बोल तालीमात सकते ना। नहीं दी है। यहाँ पे ये तो कोई आपने लड़ अभी ऐड नहीं रहा है, किया यहाँ है। पे दो लोग लड़ रहे हैं और वो लोग लड़ना बंद कर दें तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा तो इसका मतलब है दोस्तों के दरमियान आप झूठ बोल सकते हैं? अगर वो लड़ाई कर रहे हो तब नहीं, लड़ाई क्या मतलब, तलवार से लड़ाई कर रहे हो, बातों से लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से नाराज हो अगर हर मामले में ना, उनकी दोस्ती पे कोई असर पड़ रहा हो उस लड़ाई से तो फिर तो उसको झूठ रुकवा बोल सकते सकते हैं। हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, कितना थोड़ा बहुत, जिससे दोस्ती हो जाए, कितना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कितना थोड़ा बहुत, जितना मतलब जरूरत है दोस्ती जितना वापस कराने जरूरत के है, यानी लिए। थोड़ा बहुत नहीं, झूठ बोल सकते हैं जितनी जरूरत है। वो चाहे ज्यादा की हाँ जरूरत है ज्यादा झूठ बोलो, कम की जरूरत है कम झूठ बोलो। हाँ अगर आपका वालिद साहब हैं, उनकी जो बेगम साहिबा हैं, अगर वो अपने हस्बैंड के किसी दोस्त के साथ सेक्स कर गई हो, तो एक क्या तमीज से बात झूठ करो। बोला जा सकता है कि नहीं? नहीं अपने बाप का एग्जांपल लो ना। मैं अपने बाप का एग्जाम्पल क्यों लूं, तुम्हारे का क्यों ना लूं, जो आया मेरे पास, जो कह रहा है कि झूठ बोलनी अच्छी बात है, जो बोल रहा है झूठ बोलनी अच्छी बात है, मैं उसकी एग्जाम्पल लूंगा, या जो कह रहा है झूठ बोलना बुरी बात है उसकी एग्जाम्पल तुम लूंगा? तो दोस्तों की बात कर रहे थे ना, अब ये कहाँ जा रही हाँ हो? ना, तो अब यही यही आपकी एग्जाम्पल ही क्या तुम्हारे दिमाग में? आपके आपके वालिद की बीवी ने आपके वालिद के दोस्त के साथ किया है ना, शर्म तो आती है तुम्हें? अब आप जो है ना, इन दो दोस्तों में दोस्ती कराने के लिए अपने वालिद को झूठ बोलेंगे कि यार नहीं, आपकी बीवी ने इसके साथ नहीं किया? अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया यार एडम साहब आपने, वाह वाह वाह, गुलाब हो जाए एक एडम साहब के लिए। नहीं तो ये तो जिना हो गया ना। जिना को छोड़े सर, अभी हम झूठ की बात कर रहे हैं। जिना की सजा क्या है क्या नहीं, वो सेपरेट है। दो दोस्तों में दोस्ती करानी है अभी आपने। सहल भाई थैंक यू सो वेरी मच। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल, आप आज की एग्जाम्पल आपकी बड़ी जबरदस्त लगी, और उस दिन जो आपने वो इनहेरिटेंस वाले मामले में जो आपने एग्जाम्पल दी थी गरीब शौहर की, दिल खुश हो गया एकदम। ऑसम। सर धन्यवाद सर। हाँ भाई जवाब दो। नहीं ये यहाँ पे झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन ये तो दो दोस्तों में दोस्ती कराने की बात हो रही है मगर ये तो हराम है। यार, हराम तो झूठ बोलना भी है, लेकिन एक कंडीशन में हलाल हुआ ना। नहीं ये इस कंडीशन में हलाल नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है इस कंडीशन में हलाल नहीं है? हाँ चलो वो ये हो बता ही दो नहीं सकता। सर। हो नहीं सकता का क्या मतलब है? किस कंडीशन में लाल और किस कंडीशन में हलाल नहीं है, दिखा दें हदीस से कुरान से। झूठ बस दो दोस्तों के बीच में छोटा मोटा चलता है, इतना बड़ा नहीं ये है। छोटा छोटा मोटे को मोटा डिफाइन कहाँ करें लिखा है अभी। भाई ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हो गया जैद, हाँ जवाब दो यार, सवाल किया एडम साहब ने। नहीं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो झूठ बोलेगा वो भी क्यों? गलत है। लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ दो दोस्तों में दोस्ती कराने के लिए बोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है।
इस तरीके से तो नहीं ना। सर दिखाए ना किस तरीके से देन। वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं अगली बार तो पक्का लेके दूंगा। आइएगा ना फिर। मैंने जब कहा ना कि हर चीज में अलाउड है, ठीक है, हर चीज में नहीं अलाउड है। ओके, किस चीज में अलाउड नहीं है पहले ये बताएं। शादी में जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया ना, उसमें अलाउड नहीं है। अच्छा कहाँ लिखा हुआ ये बात। शौहर और पत्नी एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। नहीं, ओरे रे रे रे। ओके लेट्स सी, यहाँ पे लिखते हैं लाए इज नॉट ए लाए, सर्च करते हैं। अच्छा जी, और ये तुम साहिल के नौकर हो क्या? ये देखें ये देखें ये देखें। समथिंग द मैन टेल्स टू हिज वाइफ टू प्लीज हर, लाए इज लॉफुल इन थ्री केसेस। समथिंग द मैन टेल्स टू हिज वाइफ टू प्लीज हर, तो आप अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकते हैं, क्या करूं। ये सही हदीस नहीं है, ये सही तो नहीं है, जामिया रिएक्शन साहब तिर्मिजी सब की देखते हैं हदीस सही है कि नहीं सही है। हाँ है। मैं बस सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसें अरे मानता हूँ। यार ये तो सही हदीस है यार, तो ये तो जामिया तिर्मिजी की हदीस है। जामिया तिर्मिजी की सही हदीस है। चलो सही बुखारी सही मुस्लिम में ले लेते हैं। द पर्सन टेल्स द ट्रुथ इज रिकॉर्डिंग द ट्रुथ लाई लाई अनटिल रिकॉर्डिंग। ओके व्हाटएवर, दिस इज अ फेरी टेल। सही मुस्लिम, क्या बकवास है। सही बुखारी। ऐसे करते हैं एडिट करो, एडिट करो। वाइफ, क्या एडिट करो यार, पागल हो गए हो तुम। किधर गया किधर गया किधर गया। ओके नहीं आया, एक सेकंड अभी निकाल लेते हैं। ला 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 ला, आपके सामने ही निकालते हैं भाई, हमने तो इधर भी नहीं जाएंगे। ये देखे डिस्कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हो गया। अभी, डिस्कनेक्ट हो गया और फिर बाद में बोलेगा कि तुमने निकाला करके, तो इसकी वजह से। सही मुस्लिम 2605A, एडम जी साहब सर आप, 2605A। सर निकाल लिया अच्छा मिल गई है। ऑलरेडी। बट इन थ्री केसेस, इन बैटल फॉर ब्रिंगिंग रिकलिएशन अमंग द एंड हस्बैंड टू अ वाइफ एंड वाइफ टू हस्बैंड। तो यार ये तो बीवी में झूठ बोलना तो एब्सोल्युटली अलाउड है भाई, अरे क्या यार करूं। विशाल तू क्या कर रहा है भाई, बैक स्टेज तूने फुल कर दिया है प्यारे, मत कर ऐसा। यार वो पिंक भाई पिंक अपना कैसे आ कितने, पाएगा। यार ये विसल ब्लोअर को भी निकालो, इसने अलग तस्वीर लगाई हुई है। मिडल पाथ को मॉन्स्टर भी भी मेरे ख्याल से निकालो। नॉन मोमिन नहीं होगा यार। तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई लोग। हबीबी भी जी आपसे उस दिन एडम की बात हो चुकी थी एडम के चैनल पे, बराए मेहरबानी छोड़ दीजिए, आप एक्स मुस्लिम हो गई हैं, एंजॉय करें ना लाइफ को यार। यार आजा यार पिंक, आजा जल्दी, तो ये चैप्टर क्लोज करते जल्दी से। पिंक का इंतजार करते, तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं ये मैंने प्यार क्यों किया मूवी की माधुरी दीक्षित वाली पोज में क्यों लेटा हुआ। ये सही बोला। ये एकदम परफेक्ट बोला तुमने, माधुरी दीक्षित वाला पोज है वो। याना मीर को साहिल पर कैसे कह रहे, ही इज दी 72 हूर प्लस वन। सनातनी भाई थैंक यू सो मच। IGN आशी 7 प्लेस भाई कह रहे इस एग्जाम्पल से पानी निकल गया मेरा, वाह वाह। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। रिएक्शन कह रहे मीठा अनवर, और मृत्युंजय भाई कह रहे भाई इसको बोलो सामान दिखाए, बाद में स्ट्रीम प्राइवेट भी करना पड़े तो चलेगा। मुझे डाउट हो रहा है कि ये मोमिन मोमिन ही है क्या। नहीं मोमिन ही है। अंब की दुनिया कह रहे हैं एडम भाई इतना मीठा मत छेड़ो, डायबिटीज हो जाएगा। अरे 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 आलोक यार, ये कुमार कह भाई रहे हैं हाँ जरा बैक स्टेज फारिग करो यार, मॉन्स्टर दोबारा है, इसको लो यार, अगर मुसलमान नहीं तो इसे ब्लॉक करो। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं ना, ये जिस जिस पे डाउट है सबको ले लेते हैं, प्रो डिबेटर भी मेरे को लग रहा है। ये ये राहत रोहत जो भी है है, सरबजीत, सरबजीत राहत बन के आया यार, क्यों तुम लोग यार दिमाग का ब्लॉक बी करो करते यार, हो। ब्लॉक करो यार, बदतमीजी कर रहे हैं अभी ये, ब्लॉक मैं करो, डिलीट एक बार करो। लास्ट निकाल रहा हूं,
क्योंकि मैंने अभी नॉन मूविंग स्ट्रीम ज्वाइन किया, मैं नहीं चाहता हूँ, ज्वाइन किया बोल रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ करना फिर से, मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां कमेंट पे फिर आप लोग रोते बैठो हम ब्लॉक है, हमको अनब्लॉक कर दो, गलती हो गई। इस वजह से मैं ये बार हाथ हल्का रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? ये लो आ गया है जैद। अच्छा उससे पहले प्रो डिबेटर अनम्यूट कर भाई। हेलो, एक मिनट जैद रुक जा भाई, प्रो डिबेटर और मॉन्स्टर दोनों अनम्यूट करो। हेलो, हाँ भाई जैद से बात करो, पांच मिनट में आया, जैद से बात करो। आप मोमिन है क्या? लेकिन हाँ मोमिन हूँ 100%। ले गया उस डंगर को। अरे ये जैद इसकी बात कर रहा है, मीठे की बात कर रहा है। दूसरा किधर गया? मॉन्स्टर जी। हेलो मोमिन है आप जी? अच्छा पक्का मोमिन है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयत कुर्सी सुना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ध। ठीक है वेट कर, जैद से बात खत्म कर ले। ले भी जैद आ गई यार सही मुस्लिम की हदीस जो तू मांग रहा था। नहीं इसको हटा दो, ये भी मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं, एक सेकंड, तूने कहा था तू तिर्मिदी को नहीं मानता, तू सही बुखारी सही मुस्लिम को मानता है, तेरे लिए सही मुस्लिम लेके आया हूं, पढ़। कहां से? जहां से मर्जी पढ़ ले, चाहे पैंट की जिप खोल के पढ़ना शुरू कर दे। अलायर इज नॉट द वन हु ब्रिंग्स रिकन अमंगस्ट द पीपल एंड स्पीक्स गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड dispute or he conveys good. Ibn Shahib said he did not hear an exemption was granted in anything what the people speak as lie, but in three cases in battle for bringing reconciliation amongst people. Acha ye haram ke pille Zaid ne एडम नुन्नू जी याद किया है अभी। किया है नुन्नू जी याद? कोई बात नहीं, वो बंद हुआ था। नहीं नहीं नजर नहीं आया है, आया है, आया है। हाँ हाँ लेकिन लोगों को नजर नहीं ना आ रहा था। नहीं लोगों को भी नजर आया है तो हाँ, इसको अपने को 6 घंटे के अंदर क्लोज करके इसको क्या मतलब यार, ये तो दो बंदों वाला रखा हुआ था यार, दो बंदों वाला रखा हुआ था। नहीं ये स्टार्टिंग में इसने किया है मेरे ख्याल से। नहीं इसके वजह से तो मैंने बोलते साथ चला गया। YouTube पे देखता हूँ मैं, रुको। किया है मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है मृत्युंजय भाई ने। ये किस वक्त किया फिर इसने? जिस वक्त तुम इसके साथ बैठे हुए थे? नहीं तुम भी थे, तो अपने को समझ में नहीं आया। ये क्या बात है, नहीं आया यार, दुनिया कह रही नहीं। अच्छा चलो मुझे भेजना जरा, क्या भेजा उसने? हाँ मैं भेजता हूँ। मीठे ने गेम बजाया है भाई, पिछवाड़ी में मजबूत लिया है इसने यार, दुनिया कह रही नहीं आया। एक मिनट रुको मैं भेज रहा हूँ तुमको, रुक जा। मतलब सोचो आप कितने कितना इनके अंदर हरामी बने हैं। यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो पाकिस्तानी है, इससे मत कबूलवाना एडम, इसको मसला हो जाएगा। मैं इसको एडम को अलग से डिस्कॉर्ड पे मैसेज भी भेजा कि इसके मुंह से कुछ मत उगलवाना, नहीं तो इसको वहां पे मसला हो जाएगा। अपन इनका फायदे का सोचते हैं और इनके अंदर देखो कितना हरामीपन है। अच्छा जामिया तिर्मिदी जब दिखा रहे थे उस वक्त इसने किया है? जिस वक्त जामिया तिर्मिदी दिखा रहे थे इसने तब किया साले हराम के पिल्ले ने? उस वक्त ये दूसरे तरीके से था ना, उस वक्त ये वाला हमने रिपोर्ट होता रहेगा, इसको बंद करके प्राइवेट कर ले क्योंकि अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है और फिर 6 घंटे में तो फुल स्टॉप भी लगाना पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको बंद करके तो प्राइवेट कर दे, और प्राइवेट करके नहीं खोल ले और बाद में इसको एडिट कर दें, इसके ऊपर वो कवर लगा दें। A few moments later. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे एक मीठे मोमिन पिंक मोमिन भाई ने पिछली वाली स्ट्रीम को खराब करते हुए उसमें नुन्नू जी हाथ कर दिया था, जिसके वजह से हमें उस स्ट्रीम को फौरी तौर पे रोकना पड़ा और फिर उस स्ट्रीम को प्राइवेट करना पड़ा। कई सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आना फिर मुझे स्टार्ट हो गए। किसी ने कहा स्ट्रीम क्यों नहीं स्टार्ट हुई, किसी ने कहा स्ट्रीम क्यों बंद हो गई। तो ये वजह थी बंद होने की, बिल्कुल टेंशन ना ले। वो वाली जो वीडियो है 1.5-2 घंटे की, उसमें हम एडिट करके उसको भी पब्लिक कर देंगे। और असल में ये लोग जो है ये भरोसे के लायक ही नहीं है। ये जिस तरीके से बात कर रहा था, मैंने बोला चलो यार अच्छा मोमिन है, बात कर रहा है, कुछ सीखने के लिए आया है। तो मैंने हमने जो इसका इलाज निकाला था, मैंने उसको थोड़े देर के लिए मैं बोला चलो नॉर्मल मुस्लिम है तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन ये इस बात की दलील है कि चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, मोमिन जो भी हो वो भरोसे के लायक नहीं होता। ये लोग हर बार इसका सबूत पहले भी दिया है, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। खैर कोई बात नहीं, हम भी इनसे कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके बाद से अब से कोई भी मोमिन हो उस पे भरोसा नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी मौजूद है। वेलकम बैक एडम साहब। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। देखिए बात यह है कि ये मुसलमान एक तरफ आते हैं और हमें कहते हैं कि यार आप लोग हेट फैला रहे हो। हम कहते हैं यार इस्लाम बुरा है, मुसलमान बुरा नहीं है। लेकिन अब आप देखें ना कि ये खुद ही साबित करते हैं, प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं कि ये खुद भी बुरे हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम को अपनाए कौन हुआ है, इसको धारण किसने किया हुआ, इन लोगों ने। अब अगर पोर्नोग्राफी और लुल्लू दिखाना हराम है इस्लाम में, तो ये हमारे चैनल पर क्यों दिखा रहा है? एग्जैक्टली इसी वजह से जो हदीस हमने दिखाई थी कि झूठ बोलना, हराम काम करना लड़ाई के अंदर एब्सोल्यूटली हलाल है, ओके है, बल्कि कहा गया है कि लाजमन करना। एंड दिस इज द डिसेप्शन। और इंडिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई और जितने भी इंडियन लोग हारे हैं इंडिया में, वो इसी वजह से हारे हैं।